दोस्तों, आज चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर है। कुछ एनालिस्ट तो ये तक कहते हैं कि चाइनीज मिलिट्री आज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक फुल फ्लेश्ड वॉर में अमेरिका को मात भी दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के वक्त मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस और बैकवर्डनेस के बावजूद आखिर चाइना में यह मिलिट्री रिवॉल्यूशन कब और कैसे हुआ? डेंग ज़ियाओपिंग के 1976 के रिफॉर्म्स ने उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके मिलिट्री रिवॉल्यूशन की शुरुआत आखिर कब हुई? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के मिलिट्री रिवॉल्यूशन का इंस्पिरेशन चाइना में नहीं बल्कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में स्थित था। जी हाँ, आज का वीडियो इसी रोचक कहानी के ऊपर है, जहां हम देखेंगे कि आखिर पर्शियन गल्फ कैसे चाइनीज मिलिट्री रिवॉल्यूशन का इंस्पिरेशन बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, 90 का दशक ग्लोबल पॉलिटिक्स में उथल पुथल का दौर था। सोवियत का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका था और ईस्टर्न यूरोप में कई इंडिपेंडेंट नेशंस इमर्ज हो रहे थे। इंडिया का भी सोशलिज्म से मोह भंग हुआ और LPG रिफॉर्म्स के तहत वो भी खुद की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर रहा था। लेकिन इस उथल पुथल का सबसे बड़ा शिकार शायद मिडिल ईस्ट हुआ। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन की इराकी आर्मी ने कुवैत को इन्वेड कर लिया। कुछ ही महीनों बाद 17 जनवरी 1991 को US लेड 35 देशों की कोलिशन फोर्सेस ने इराक पर वॉर डिक्लेयर किया, जिसे इतिहास में गल्फ वॉर के नाम से जाना गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद ये शायद सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस था जो एक फुल फ्लेश्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ। गल्फ वॉर ने इराक के 30 साल के केओस और टर्मोइल को तो जन्म दिया ही, लेकिन इसने चाइनीज लीडर्स की आंखें भी खोल दी। जी हाँ दोस्तों, 1991 तक चाइना की इकोनॉमी रिकवरी मोड में तो आ गई थी, लेकिन उसकी मिलिट्री यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी काफी ज्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन चाइना गल्फ वॉर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि कैसे US ने बड़ी आसानी से दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी यानी इराक को सिर्फ 42 डेज में डिमोलिश कर दिया, और वो भी मेनली अपनी एयर फोर्स की मदद से। इराक के पास अमेरिका के मैसिव एयर पावर का कोई समाधान नहीं था। जिस तरह की टेक्नोलॉजी और फायर पावर को अमेरिका ने इस वॉर में यूज किया, वो इराक के सर्वाइवल पर अटैक तो था ही, लेकिन ये चाइना पर एक साइकोलॉजिकल न्यूक्लियर अटैक की तरह भी था। और ऐसा और कोई नहीं बल्कि चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स ही कहते हैं। प्रिसीजन बॉम्बिंग, सैटेलाइट गाइडेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन, एंटी टैंक एयर टू सरफेस स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वन वे ट्रांसपेरेंसी ऑन द बैटलफील्ड, स्टेल्थ बॉम्बर्स, इन सब ने मिलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की साइकी में जैसे शॉक वेव दौड़ा दिया हो। नतीजा था चाइनीज मिलिट्री रिवॉल्यूशन। ये इवेंट चाइना के मिलिट्री रिवॉल्यूशन का वो टर्निंग पॉइंट बना जिसके चलते ही आज चाइनीज मिलिट्री को अमेरिका एक स्ट्रेटजिक थ्रेट की तरह देखता है। खैर, गल्फ वॉर के चाइनीज मिलिट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके कई पहलू हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जैसा हमने पहले देखा, गल्फ वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल था, जिसने चाइना में अपनी नेशनल सिक्योरिटी के प्रति एक एंग्जाइटी को जन्म दिया। इस वॉर ने चाइना को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में मजबूर कर दिया और उसे दिखाया कि मॉडर्न वॉर्स कैसे लड़े जाते हैं। शंघाई बेस्ड मिलिट्री एक्सपर्ट नील एक्जियोंग बताते हैं कि चाइना ने मैकेनाइजेशन से सीधे खुद को इन्फॉर्मेशन वॉर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए। वो कहते हैं कि चाइना सिर्फ वेपन्स और टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड नहीं था बल्कि वॉरफेयर टैक्टिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज में भी अमेरिका से दशकों पीछे था। मकाओ बेस्ड एनालिस्ट एंटोनी वोंग टोंग कहते हैं कि चाइनीज आर्मी माओ के रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थी और इसलिए वो पीपल्स वॉर जैसी डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करती थी, जिसमें गुरिल्ला वॉरफेयर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन गुरिल्ला वॉर के एक्सपीरियंस से उसे रियलाइज हुआ कि ये टैक्टिक अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसके अलावा June 4, 1989 को हुए तियानामेन स्क्वायर प्रोटेस्ट को जिस बेरहमी से चाइना ने कुचला, उसके चलते वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग USA चाइना से खुश नहीं थे। ऊपर से सोवियत के फॉल से चाइना आइडियोलॉजिकली भी आइसोलेटेड फील करता था और उस पर मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा था। PLA ने तब ये बात रियलाइज किया कि वो अपने नंबर वन राइवल ताइवान से भी टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड पोजिशन में था। ये 1995 और 1996 के ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में साफ दिखा, जब ताइवान को मिले अमेरिकन सपोर्ट से चाइना बैकफुट में चला गया था। लेकिन आज अचानक से ताइवान स्ट्रेट में चाइना अपनी मिलिट्री माइट के चलते US के साथ दो दो हाथ करने के लिए भी रेडी दिखता है, जिसका सबसे बड़ा कारण उसका मिलिट्री रिवॉल्यूशन ही है। कहते हैं कि चाइना ये भी जानता था कि उसके साथ अमेरिका उस वक्त भले कोऑपरेट कर रहा था,
लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वर्ल्ड पावर बनने के एस्पिरेशंस के चलते दोनों देशों के बीच टकरार होगी। ऐसे में चाइना इंश्योर करना चाहता था कि उसकी हालत इराक की तरह ना हो, इसलिए गल्फ वॉर से लगे शॉक के बाद तत्कालीन चाइनीज लीडर जियांग ज़ेमिन ने पीएलए को मॉडर्न रीजनल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज अंडर हाईटेक कंडीशंस बिल्ड करने की हिदायत दी और ये भी कहा कि उसे मैकेनाइजेशन के साथ इंफॉर्मेशनाइजेशन पर भी फोकस करना होगा। हांगकांग बेस्ड मिलिट्री कमेंटेटर सॉन्ग ज़ोंगपिंग कहते हैं कि गल्फ वॉर में इस्तेमाल हुए अमेरिकन हाईटेक वेपन्स को चाइना ने इस दौर में डिटेल में स्टडी किया। इनमें प्रिसीजन मिसाइल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्टेल्थ वॉर प्लेन्स चाइनीज मिलिट्री रिफॉर्म्स के गाइडलाइन बने। इसके अलावा नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट ऑपरेशंस और उनके बीच बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान दिया गया, जो अमेरिका काफ़ी सालों पहले से करता रहा था। चाइनीज लीडर्स ने कई यूएस मिलिट्री के ऑपरेशनल रेगुलेशंस और मिलिट्री रिपोर्ट्स को ट्रांसलेट कर उसके मॉडल्स को कॉपी भी किया। ऐसा रिटायर्ड पीएलए मेजर जनरल जिन यिनान अपनी किताब में लिखते हैं। जियांग ज़ेमिन के रूल में पीएलए ने लगभग 7 लाख ट्रूप्स को 1990s और 2000 में कट डाउन कर कमांड चेन में मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत की। ये काम 2015 में शी जिनपिंग ने भी किया। 1999 में इकोनॉमिक राइज से जन्म हुए मैसिव फंड से चाइना ने अपने मिलिट्री बजट को भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और 2020 तक चाइना का एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हो गया विथ $178 बिलियन। इसमें यूएसए फिलहाल सबसे आगे है विथ अ बजट ऑफ $732 बिलियन, यानी चाइना का लगभग 4 गुना। इसके अलावा 1990s में शुरू हुए इस प्रोसेस के तहत चाइनीज ग्राउंड फोर्स का मैकेनाइजेशन भी फिनिश स्टेज में पहुंच गया, लेकिन इसके पहले ही चाइनीज मिलिट्री यूएस को कई एरियाज में पीछे छोड़ने लगी थी। वो अमेरिका से शिप बिल्डिंग, लैंड बेस्ड कन्वेंशनल मिसाइल्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में आगे थी, ऐसा पेंटागन की 2020 की चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट कहती है। आज पीएलए नेवी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट नेवी भी मानी जाती है। उसके पास लगभग 350 शिप्स और सबमरीन्स हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 130 मेजर सर्फेस कॉम्बिटेंट्स, जबकि यूएसए नेवी के पास ऐसे सिर्फ 293 शिप्स हैं। ऊपर से चाइना की मोस्ट शिप्स 2010 के बाद बनाई गई हैं और इसलिए वे अमेरिकन शिप्स से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होने का दावा भी करती हैं। पीएलए एयरफोर्स भी तेजी से मॉडर्नाइज और एक्सपेंड हुई हैं और आज वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट फोर्सेस में गिनी जाती हैं। चाइनीज एयरफोर्स के पास आज 2500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और लगभग 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से मोस्ट थर्ड और फोर्थ जनरेशन वॉर प्लेन्स हैं। इसके अलावा आज चाइना दूसरा ऐसा देश है जिसने खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 डेवलप किया है। 1991 में वो 2nd जनरेशन के प्लेन्स यूज़ करता था जो 1950s की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, जबकि यूएस एयरक्राफ्ट्स गल्फ वॉर के वक्त ही 4th जनरेशन के थे, जिनमें F-15, F-16 और FA-18 जैसे एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व थे। मॉडर्नाइज्ड वेपन्स का इम्पैक्ट हमें गल्फ वॉर में क्लियरली देखने को मिला था। इराकी लीडर सद्दाम हुसैन के सोल्जर्स एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे जो ईरान इराक वॉर में पहले भागीदारी निभा चुके थे। उनके पास कई चाइनीज वेपन्स जैसे Type-69 टैंक्स, Type-63 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और J-7 फाइटर्स भी थे। साथ में इराकी फोर्सेस एडवांस सोवियत T-72 टैंक्स और MiG-25 और MiG-29 फाइटर के साथ भी आर्म्ड थे, लेकिन इसके बावजूद वो यूएस के सामने टिक तक नहीं पाए। इसका एक कारण यूएस के एडवांस्ड वेपन्स जैसे दुनिया का फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेल्थ वॉर प्लेन F-117 और 4th जनरेशन फाइटर्स जैसे F-15, F-16 और FA-18 थे, जिन्होंने इराकी फोर्सेस को नेस्तनाबूद कर दिया। चाइनीज मिलिट्री ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अमेरिका इराक को सिर्फ अपनी एयर पावर से हरा देगा। खैर, पीएलए रॉकेट फोर्स की बात करें तो उसके पास आज 1250 से ज़्यादा ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। लेकिन यूएस की मिसाइल कैपेबिलिटीज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के चलते लिमिटेड हैं। चाइनीज रॉकेट फोर्स ने खुद को रैपिडली अपग्रेड किया है और न्यूक्लियर कैपेबल ICBM इन्वेंट्री को भी उसने एक्सपैंड किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स में भी वो लीड अपने ग्लाइड मिसाइल DF-17 के साथ लीड कर रहा है। चाइनीज इक्विपमेंट शायद आज भी अमेरिकन इक्विपमेंट्स के साथ क्वालिटी में कम्पीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का गैप चाइना और यूएसए की मिलिट्री के बीच 1990s में था वो आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दोनों के वेपन्स सिमिलर जनरेशन के हैं और क्वांटिटी के मामले में भी वो कम्पीट कर रहे हैं।
तो दोस्तों, जिस तरह से 1990s में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री होने का दावा करने वाली इराकी आर्मी को अमेरिकन फोर्सेस ने सिर्फ 42 डेज में डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसने चाइनीज लीडर्स को काफी इम्पैक्ट किया। एक चाइनीज मिलिट्री हिस्ट्री रिसर्चर बताते हैं कि अगर उस वक्त यूएस चाइना को अटैक करता तो उसकी हालत भी इराक की तरह ही होती। चाइना तब अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे रिकॉग्निशंस, सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एरियल रिफ्यूलिंग, टैंक, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा के बारे में कुछ नहीं जानता था और अमेरिकन कैपेबिलिटीज को देखकर शॉक था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज यूएस के लिए चाइना को मात दे पाना आसान नहीं है और इसमें गल्फ वॉर का रोल इमेंस है, जिसने चाइनीज फोर्सेस को रीथिंक कर अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करने के लिए मोटिवेट किया। आज वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री में आगे है बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर में भी अपना लक आजमा रहा है। स्पेस में भी चाइना अमेरिका के साथ कम्पीट कर रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग और AI में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर अपनी वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। पीपल्स वॉर जैसी आउटडेटेड मिलिट्री स्ट्रेटजीज से बाहर निकलकर आज उसने खुद को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्ट्रेटजिक वॉरफेयर, फाइनेंशियल वॉरफेयर एक्सेट्रा की तरफ भी पुश किया है और इनमें से मोस्ट चीज़ें शायद उसने अमेरिका और उसके ग्लोबल वॉर से ही सीखी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाइना के मिलिट्री रिवॉल्यूशन की, जिसने जन्म लिया था गल्फ वॉर से। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।